अगर आप एक भारतीय नागरिक हो और आप एक पेट्रियोटिक हो, आपको अपने देश से बहुत गर्व है, वैसे हर किसी को होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा अपने देश के झंडे के बारे में जो बहुत ज़रूरी है। शायद आपको ना पता हो या फिर शायद आपको पता हो, पर उसी को जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, फैल्कन राइडर्स में जुड़ने के लिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे इज अ प्राउड डे और आज बहुत खुशी का दिन है और आज एक प्राउड वाला दिन है। हम लोगों की आज़ादी मिली थी हमें 15 अगस्त को और मेरे को लगा कि एक वीडियो आज के दिन तो ज़रूर बनता है। और एज़ यूजुअल, जैसे कि आप हमेशा बोलते हो मेरे को कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ जो थोड़ी एजुकेशनल वाली है, ज्ञान वाली है, काफ़ी लोग मेरे को बोलते हो कि सर आप टीचर जैसे हो, तो उसी बात को लेके मैं एक चीज़ इस टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जो हमारा फ्लैग है, फ्लैग इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक कंट्री के लिए और इसी वजह से उसको हमें एक रिस्पेक्ट और उसकी एक केयर करनी बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना भी ज़रूरी है क्योंकि आफ्टरऑल ये आपका फ्लैग है, ये मेरा फ्लैग है, ये हर एक इंडियन नेशनल का फ्लैग है और हमें इसका ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते, वो सभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जुड़े रहिए। सो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं बहुत टाइम से जब से बाइकिंग कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ इवन गाड़ियों पे, बाइक्स पे लोग झंडा लगा के अपना ट्रैवल करते हैं और खासतौर से इट्स अ वेरी पेट्रियोटिक फॉर देम कि रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में जाते हैं, वो अपनी बाइक पे या गाड़ी पे इंडिया का झंडा लगा रखा होता है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में, नेचुरली पेट्रियोटिक लगता है। पर क्या वो आप लगा सकते हो या आप नहीं लगा सकते हो, और अगर आप लगा सकते हो तो आपको एक्चुअली कहाँ पे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, किस मटेरियल का लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, यू नो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट के एनीथिंग, इट्स अ इंडियन नेशनल फ्लैग, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमारी गवर्नमेंट के, अगर आप चाहोगे तो उसका वेबसाइट का या लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके स्क्रीन के सामने भी आ गया होगा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे फ्लैग का जिसमें हर चीज़ लिखी है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सब कुछ, उसका क्या मेजरमेंट होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। मैं भी बहुत बार मेरा मन करता था कि मैं अपनी बाइक्स पे झंडा लगाऊं जब मैं जाता हूं या यू नो ऑल दैट, पर मैंने बहुत टाइम से मैं सोचता था पर मैंने कभी लगाया नहीं। मैंने एक बार अपनी बाइक पे एवेंजर पे एक फ्लैग भी लगाया था, पर वो फ्लैग मैंने इंडिया का नहीं लगाया था, वो मैंने अपने फैल्कन राइडर्स का जो मेरा लोगो है उसका कुछ बना के मैंने लगाया था पीछे। सो इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया था क्योंकि मेरे को एक आइडिया था कि आप इंडिया का फ्लैग अपनी मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे नहीं लगा सकते हैं। और 2002 से पहले तो आप अपने घर पे, ऑफिसेस पे कहीं भी नहीं लगा सकते थे। 2002 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जहाँ पे आप अपना झंडा अपने घर पे और अपने ऑफिस पे आप लगा सकते हो, पर कब लगा सकते हो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपके स्क्रीन पे उसके कुछ पेजेस आपको शायद दिख रहे हो कि तो झंडे लगाने के भी टाइमिंग्स हैं, आप सुबह से लेके सनराइज से सनसेट तक लगा सकते हो, रात के टाइम आपको झंडा उतार के रखना होता है। उसके अलावा झंडा अगर आप गाड़ी पे, बाइक्स पे, किसी पे भी आप नहीं लगा सकते हो एज अ सिविलियन, उसको जो लोग लगा सकते हैं वो भी बहुत लिमिटेड एक लिस्ट है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ हैं नाम्स जो झंडा लगा सकते हैं और लगाने की भी एक लोकेशन होती है। आप झंडा या तो सेंटर में लगा सकते हैं या राइट में लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी के राइट में या सेंटर में, लेफ्ट में नहीं लगा सकते आप, और कोई भी ऐसी जगह नहीं लगा सकते कि जहां से हमारा झंडा नीचा दिखे। तो बहुत सारे इसके एक तरीके हैं लगाने ना लगाने के, अगर जो लिंक है उसमें आप पढ़ोगे, मैंने लिंक नीचे दे दिया है, तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप ये चीज़ पढ़ें, जानें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए, हम एज अ इंडियन सिटीजन के लिए। तो जो भी आप बाइक्स पे लगाते हो ये एक्चुअल में इलीगल है, आप नहीं लगा सकते। अगर आपको पुलिस वाले ने किसी ने रोका तो दे कैन एक्चुअली फाइन, और अगर आपने ये तक भी है उसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर आपने जो झंडा है उसके साथ आपने बेकदरी करी या उसको ऐसी फेंक दिया या यू डिसरिस्पेक्टेड द फ्लैग, तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। और फ्लैग्स भी कपड़े के होने चाहिए, खाकी, यू नो क्लॉथ उस टाइप के होने चाहिए, प्लास्टिक प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए और यूज़ भी नहीं करने चाहिए। उसके बाद फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय करने का भी एक तरीका है कि आप उसको डिग्निफाइड तरीके से आप
फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो एक तरीका उसमें लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट में, वो है कि आप उसको जला सकते हो, जला के आप उसको वो कर सकते हो डिस्ट्रॉय। ऐसे नहीं कहीं भी फेंक दिया, उधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। फटा हुआ झंडा भी आप नहीं लहरा सकते। अगर आपका झंडा हल्का सा ही फटा हुआ है तो उसको मत लहराओ, उसको रख लो। इट्स अगेन अ डिसरिस्पेक्ट टू द फ्लैग। आई नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग सोच रहे होंगे इतना क्या सोचना है, इतना क्या, इतना क्या, इतना क्या, इतना क्या, ये सब वो सब रूल, यू नो हमारा झंडा है, सबका झंडा है। गाइस वही रीजन है क्योंकि ये झंडा सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे नेशन का झंडा है। इट्स नॉट, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे नेशन की है। उसी तरह बॉर्डर एरियाज में जैसे आप जो ये मिलिट्री वाले कपड़े होते हैं, कैमोफ्लैज वाले कपड़े, वो भी नहीं पहनो तो अच्छा है। मना भी करते हैं कि बॉर्डर एरियाज में आपको ये नहीं पहनने चाहिए। उसके भी रीजंस हैं, अंडरस्टूड वाले ऑब्वियस रीजंस हैं कि आप जब बॉर्डर एरियाज में होते हो, आप मिलिट्री कपड़े पहन रखे होते हैं आपने, तो थोड़ा सा यू नो कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने मिलिट्री के क्लॉथ में उधर उधर घूम रहे हो। सो वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो यही एक चीज़ें थी मेरे को फ्लैग के बारे में आपको बतानी थी। अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है इस बारे में तो आप जो मैंने लिंक बार बार बोल रहा हूँ नीचे, उसे पढ़ सकते हो। उस पर सब कुछ है डिटेल में, इस पर आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एज अ इंडियन नेशनल आपको पता चल जाएगी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने कंट्री के फ्लैग की यू नो चड्डी भी पहनते हैं, हैं ऐसे कुछ, पर हम वैसे नहीं हैं और हमें वैसा बनना भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह हैं, हम अपनी जगह हैं, यू नो हमें वैसा नहीं बनना, शायद उनको हमारे जैसा नहीं बनना। फेयर इनफ। आई नो आपके दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस चलेंगे सारे डिस्कशन के बाद, ये सब चीज़ें मैंने बताई कि सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों में ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती, सम थिंग्स आर देयर, कभी कभी उनको फॉलो कर लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग कि जिसमें हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर ऑल इट्स अबाउट एज अ इंडिया, एज अ नेशन, यू नो। एंड और हम बाइकर्स तो वैसे भी मशहूर हैं और यू नो सब बोलते हैं कि बाइकर्स कम्युनिटी कैसी है कि यू नो दे टेक केयर ऑफ थिंग्स, दे आर द पीपल हु हेल्प ईच अदर, यू नो एक पॉजिटिव एक फीलिंग है हमारी बाइकर्स कम्युनिटी की, ऐसा मेरे को लगता है। सो हमें और इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक वी शुड फॉलो जितना रूल्स हम मैक्सिमम फॉलो कर सकते हैं। आई नो 100% फॉलो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट जितना भी कर सकें और उतना करें। सो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। ज़्यादा टेंशन मत लो, जो सब चीज़ें मैंने बताई सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप बहुत सिंपली सॉल्व हो सकती हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, उन चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि वो कर रहा है तो मेरे को करना है, वो नहीं करना तो मेरे को नहीं करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि खुद पढ़ो, समझो चीज़ें और खुद अपना डिसीजन लो कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। ऑन दैट नोट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन गाइज, एंड टेक केयर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय। और कहां से ये आइडिया आया मेरे को कि मेरे हिसाब से सबको होना